चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। मगर क्यों? कुछ दिनों पहले हमने क्रिकेट का टूर्नामेंट जीता था, तो आज उसकी खुशी में पार्टी है। बस फिर क्या था, जालिम दोस्त अपनी मनहूस शक्ल लेकर मेरे पास आ गया। क्यों आए हो भाई? खैरियत? इतनी सुबह सुबह है ना। हाँ? टीम पार्टी करना चलते हैं, सामान लेने। आज पार्टी है? हाँ, आज पार्टी। आज की पार्टी जालिम दोस्त की तरफ से। फिर हम चले गए बाजार साइड आज की दावत का सामान लेने। खाना बनाने के लिए क्या क्या चीज जरूरत होती है जालिम दोस्त को सब पता है, क्योंकि शादी के बाद वो सब कुछ खुद बनाता है। समझ रहे हो ना? जालिम दोस्त ने कहा आज की दावत में मैं 4 डिशेस बनाऊंगा, तो सबसे पहले हम चले गए मंडी मस्त बकरे का गोश्त लेने। मंडी वाला बकरे के गोश्त को ऐसे काट रहा था जैसे मेरे दोस्तों को कीड़े काटते हैं। जब हम मंडी वाले के पास खड़े थे तो वहां पर लंबू भी आ गया। लंबू ने तुझे लंबा कर दिया, माचिस की तीली को खंबा कर दिया। जब लंबू से बात कर रहे थे तो तभी जालिम दोस्त का जालिम अबू भी आ गया। इतना ही नहीं, जालिम दोस्त को देखकर उसका छोटा भाई छल्लारिश भी आ गया। बकरे का गोश्त खरीदने के बाद हम चले गए फार्म में कुकड़ का गोश्त खरीदने। फार्म में कुकड़ खरीदने के बाद हम चले गए चावल खरीदने। पार्टी में चावल ऐसे जरूरी है जैसे पैंट के साथ चड्डी। क्या बात है सर। इस नर को एक मादा की तलाश है। जिन पंखों को ये इतना फैला रहा है वो खास तौर पर प्रजनन के लिए उगे हैं। गोश्त भी खरीद लिया, चावल भी खरीद लिया, गर्म और ठंडा दोनों मसाले भी खरीद लिए। फिर हम चले गए सब्जी वाले के पास, जहाँ से जालिम दोस्त ने भिंडी, करेला और मिर्ची खरीद लिए। ठीक है, मौके का फायदा उठाते हुए मैंने वहाँ से एक आम उठा लिया। जब हम ये सारा सामान खरीद रहे थे तो शहीद पहलवान का भाई भी हमसे मिलने आ गया। सारा सामान खरीदने के बाद हम चले गए अपने यार ढीमो के पास खास खास पीने। इतनी गर्मी में ठंडा टाडल पीने के बाद तो मजा ही आ गया। जब हम मस्त ठंडा खास खास पी रहे थे तो तभी वहाँ पर हमें मेघला बॉस मिल गया। आपको बताता चलूं, ये इतना बड़ा आदमी है कि मेघला डैम भी इसके नाम से तामीर किया गया है। इसके पास बहुत पैसा है, इसलिए ये अपना भेष बदल कर यहाँ पर रहता है। कुछ समझे दया? सारा सामान घर पहुंचाने गए तो मैंने वो आम खा लिया जो मैंने खरीद लिया था। फिर हम गए पेट्रोल डलवाने, जहाँ पर हमें तारा और सितारा मिल गए। रास्ते में ही बाबू का दुकान था तो हमने उसे कहा कि किट पहनकर मेरे बैठक पर आ। फिर मैंने और जालिम दोस्त ने भी किट चेंज कर लिए, क्योंकि पार्टी में अभी टाइम है, तो सबसे पहले हम जाएंगे स्विमिंग पूल में। मस्त प्लान है। फिर थोड़ी देर बाद बरसाती मेंढकों की तरह मेरे सारे दोस्त आने लगे। सबसे पहले आया दगड़ू दादा, उसके पीछे पीछे देवदास भी आ गया, और फिर वडेरे का बेटा शाका और अफजल भी एक साथ आ गए। जब सारे मेरे बैठक पर आ गए तो हम आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से निकलने लग गए। यहाँ से निकलने के बाद हम सीधा चले गए जमील बलोच के पास उसे उठाने, क्योंकि स्विमिंग पूल में जाने का शॉर्टकट रास्ता सिर्फ इसे ही पता है। बाबू और जालिम दोस्त के आने के बाद हम यहाँ से रवाना हो गए। एक तो कमबख्त जब भी किसी को पता चलता है कि आज स्विमिंग पूल भरा हुआ है तो सारे कुत्तों की तरह टूट पड़ते हैं इसके ऊपर। कैसे शम्स? बिल्कुल, आपको उर्दू की क्लास लेनी चाहिए। पूल में छोटे बच्चों को देखकर मेरा इंग्लिश निकल गया। यू कैन सी देयर लिटिल पीपल्स आर वॉशिंग। लट्टू आ गया भाई जान, लट्टू अपने मस्त माहौल में। Thank you.
जक वे जक जक देवदास अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर खुदकुशी कर रहा है। जब दावत का टाइम करीब हो गया तो हमने नहाने से बस कर दिया और अपने मंजिल की तरफ निकल दिए। रेत के ऊपर बाइक चलाना बहुत ही मुश्किल का काम है। हम तो कैसे भी करके वहाँ से निकल गए लेकिन बाकी सारे वहाँ पर फंस गए। हमारे बाद दगड़ू दादा आ गए और उसके बाद सरदाम बलोच और फिर शाका और जालिम दोस्त एक साथ आ रहे थे। वापसी में शाका के बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया तो वो चला गया पेट्रोल पंप की तरफ और हम चले गए जालिम दोस्त की तरफ। वहाँ से सामान उठाने के बाद सीधा चले गए बैठक की तरफ। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जब सारे टीम मेंबर्स आ गए तो सईद बलोच ने बलोची हालवाल लिया मीर पोपटलाल से। जैसे ही बलोची हालवाल हो गया तो हमने दस्तरखान बिठा कर खाने के ऊपर हमला कर दिया। आज हमारे साथ सईद भाई मौजूद हैं तो आइए उनसे एक शेर सुनते हैं। सईद भाई आज की पार्टी के ऊपर एक शेर हो जाए। शिराज भाई एक अच्छा सा गज़ल है। अगर बस मैं मेरे होता उठाकर चांद तारों को मैं नीली आसमां पे तेरी आंखें बना लेता। शजर होता तो लिख लिख कर तुम्हारा नाम पत्तों पर तुम्हारे शहर की जानिब हवाओं में उड़ा देता। सईद भाई वंस मोर एक और हो जाए। जा बजा दिल को लगाने से कहां भूलेगा हमको वो शख्स बुलाने से कहां भूलेगा। हाँ कई रोज से वो याद नहीं आया मगर याद वो फकत याद ना आने से कहां भूलेगा। सईद भाई एक शेर बलोची में। जी हाँ बिल्कुल यार क्यों नहीं। संगत गढ़दे दैमी चुकी आ मई माओली खुशी आ मई बसता या मई तख्ती आ कच्ची आ और पक्की आ यार आधी है मैं छुट्टी आ। संगत गढ़दे दैमी चुकी आ मई माओली खुशी आ लैवानी हम पट्टी आ मई चिद्दा या मई डीटी आ लैव म लिखण बूटी आ यार गढ़दे दैमी चुकी आ मई माओली खुशी आ। ब्रो शिराज भाई को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।